हाथ जोड़ो यात्रा एक दिन पहले खत्म। राहुल ने श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया। कल कांग्रेस दफ्तर में होने वाला कार्यक्रम रद्द। श्रीनगर के लाल चौक में रविवार को राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया। वह सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी में वहां पहुंचे। उनके साथ बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। तिरंगा फहराने के बाद राहुल की भारत जोड़ो यात्रा भी खत्म हो गई। इसे 30 जनवरी को खत्म होना था, लेकिन सूत्रों ने बताया कि लाल चौक के कार्यक्रम के बाद यात्रा खत्म कर दी गई। कांग्रेस दफ्तर में सोमवार को होने वाला कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। लाल चौक में तिरंगा फहराने के दौरान भारी तादाद में पुलिस बल तैनात रही। पूरे इलाके को बैरिकेड्स लगाकर सील कर दिया गया था। आसपास की सभी दुकानें बंद करवा दी गई थी। राहुल सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी में लाल चौक पहुंचे थे। राहुल गांधी के साथ जयराम रमेश, मल्लिका अर्जुन खड़गे, जयराम रमेश, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के शामिल होने की जानकारी है। पंथा चौक से आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह भी यात्रा में शामिल हुए हैं। आज श्रीनगर के चेशमा शाही रोड पर यात्रा का हाल्ट होगा और शाम 5:30 पर राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।